32 साल पुरानी गौशाला है। कर्म भैया सही, कैंसर ना कैंसर को एक तो हम तो इसको बीमारी नहीं समझते बिल्कुल। इस आदमी ने जब दावा करया तो अंग्रेजी डॉक्टर के दिमाग के तंतु हिल गए, पगलाए गए, मानसिक संतुलन खो गए। फिलहाल देसी तरीका तय कैंसर का इलाज करने का दावा। हाँ ठीक है जी, मुझे आराम काफी आराम जी, तो दर्द संबंध है। यहाँ पे आते भी एक लाडवा गौशाला धाम है, उम्मीद है। आपने कई हजार मरीज ठीक करे हैं। ये जी जो आपने कैंसर की दवाई है जी, आपने काम देने के नाम से है, 3 महीने में टीवी को ठीक कर देता जी, हमारी गारंटी। ये महेश्वरी वटी HIV में काम करती जी, कितनी एक खूनी बवासी रोजी 3 दिन में बिल्कुल गारंटी लिख कर दे सकते हैं। जिस पे भी तो जाना यार, जिसका चला जावा वो जाना है। बीड़ी नहीं छोड़ती कैंसर वाला, एक दारू नहीं छोड़ता। अगर ये कोई नुकाब हम ये दारू और ये छोड़ जाएंगे तो हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसको ठीक कर देंगे पक्का। तो तीसरी स्टेज का, चौथी स्टेज का, इस तरह कोई स्टेज का कोई मतलब नहीं जी, खाना पीना खाता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, वो स्टेज उसको थोड़ा दिखा भाई, ये देखो आप, ये देखो काम दाम इतना जोड़ दिया प्रधान जी ने, आ रहा है अंग्रेजी डॉक्टर दिमाग के पत्ते तो हाल लेंगे भाई। ले भाई सारी चीज दिखा दी दर्द। और ये जी ये माट हम दवाई लगा भाई साहब, कार से अप्रूवल अपने सारे फार्मूले जी। तो सबसे बड़ी के बात है, जो आड़ जो भी पीछे देगा जाओगा सारा गौ माता बलागा, किसी गोज में नहीं जाओगा, ये मेरी गारंटी है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल जिस जगह पे मैं आया हूँ यह 32 साल पुरानी जगह है, 32 साल पुरानी गौशाला है, लाडवा गौशाला। और कैंसर की जब बात आओगी तो कैंसर जिस घर में है, जिस कैंसर तक जिस परिवार के लोग जूझ रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, उनके लिए इलाज की दिक्कत का सामना बहुत करना पड़ा है। और इसने नू कह गए छोड़ दें बीमारी ने, यह ला इलाज है, असाध्य रोग है। लेकिन जिस शख्स ने तो हम सामने देख रहे हो, इस इंसान ने दावा कर दिया है, इस आदमी ने दावा कर दिया है। आज हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, बहुत सारे लोगों के कैंसर ठीक भी कर लिए है, हर प्रकार की कैंसर का इलाज। इस आदमी ने जब दावा करया तो अंग्रेजी डॉक्टर के दिमाग के तंतु हिल गए, पगलाए गए, मानसिक संतुलन खो गए। फिलहाल देसी तरीका तय कैंसर का इलाज करने का दावा कर दिया गया है। इलाज और भी बहुत सारे हैं इस गौशाला में, पुरानी पद्धति को लेकर के चल रहे हैं जो कि अपनी आयुर्वेदिक पद्धति है। तो फिलहाल आप सारी बातचीत करांगे, प्रधान है आनंद राज, जो लाडवा गौशाला है, बहुत पुरानी गौशाला है, और इसके प्रधान भी आनंद राज जी। राम राम आनंद जी। राम राम जी। जय गौ माता जी। जय गौ माता की। प्रधान जी देखो बहुत सारे लोग हैं जो दावे भी कर रहे हैं, बतावे भी हैं, अभी कैंसर का इलाज इलाज इलाज। एक तो आरनु का आरम मिला, लिखतम साची बक्तम झूठी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैंने आपके बारे में काफी चीजें पहले अध्ययन कराया, मोबाइल भरा पड़िया भाई इनका, जो लोग पीड़ित थे नहीं, जो ठीक हो गया, जब बोल रहे है नी मैं आया था मेरा कैंसर ठीक हो गया, वो मोबाइल भरे पड़े है। हालांकि जब यूट्यूब पर जो वीडियो आओगी उसमें वो भी चीज जुड़ेंगी, इसमें अब भी दिखा देंगे। इस साइड में नू करूंगी ए नू, ठीक है। चलो प्रधान जी, हाई कैंसर, हाई कैंसर, मर गया, तड़प गया, हो गया, फलाना गया, रिश्तेदार गया, दकड़ा गया, नू चल रहा है। और कैंसर का नाम पे फिर बड़े बड़े बहुत बड़ा बजट ले लिया जावे पेशेंट थे, और उसका वो काम हो जाए बोला बोला कौन बैठ पा क्यों पानी तो कुनो कहूं कैंसर का नाम पहला पीछे भी ले लिए, इलाज हो गई आखिर में जानते रहे। बताओ जी क्या है जी, कर्म भैया सही, कैंसर ना कैंसर को एक तो हम तो इसको बीमारी नहीं समझते बिल्कुल जी जी। हमने कई हजार मरीज ठीक करे हैं, 1992 से इस काम का लग रहे हमारे बैद्यराम निवास जी, अब तो एक्सपायर हो गए बेचारे जी जी जी। तो वो ये ऐसे पे गौमूत्र से जड़ी बूटियों से, एक बीठमड़ा से एक लेडीज थी वो इसार में दाखिल थी, वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया जी। वो बच्चे रोने लग रहे, तो यहाँ एक बीठमड़े का वो था बोला रे तारी मृत्यु लिए तमें गौशाला मोर ले चलो। अच्छा, तो उसको यहाँ ले आए, तो उसको एक महीने में वह बिल्कुल ओके कर दिया, आपका घर चली गई वह 8-10 महीने दवाई खाई, आज से वह 1.5 साल पहले मरी है। अच्छा जी, तो वो आज भी अगर हम देखते हैं जैसे भगवान दिखे मेरे पैर का, यानी कि उसको बीमारी कौन थी, उनको डरा दिया। अच्छा देखो कई बार क्या होता है, नीम हकीम खतरा है जान, तो जोड़ा छापते बचे हैं लोग। जो आपका ये फॉर्मूला है क्या पेटेंट हो चुका है या इसको अप्रूवल मिल गई? ऐसा जी, ये आयुष विभाग सरकार से अप्रूवल अपने सारे फार्मूले जी जी, और BMS डॉक्टर लैब टेक्नीशियन बोटनीशियल सब वो नहीं की मेथी उसमें डाल दिया, डब्बी मंगा लो ना इधर दिखा, सारी मशीन वगैरह पूरा पूरा सिस्टम उसके अंदर। प्रधान जी का डब्बी मंगवा लो आवाज लगा के। अरे वो आजी संदीप है,
दवाई ले आओ, चूर की डिब्बी वगैरह कुछ सरक वगैरह लाइए, ले आओ भाई ले आओ फटाफट, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ इस चीज को भाई। ये वैद्य जी का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ, वैद्य राम निवास, ये दिखाइए। हाँ, और अब हमारे बीच में नहीं है वो, या फिर तो काफी समय, अच्छा अच्छा, लेकिन वो फार्मूला देगी। हाँ, फार्मूला तो ऐसा है कर्मो भाई, जैसे नई नई चीज, जैसे अपन कोई चीज को प्रैक्टिकल बढ़िया हो गया तो उसका वहां से आप मंजूरी ले आते हैं। फार्मुलेशन तो हर रोज जुड़ती रहती है, आपको पता ही है, रिसर्च चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मौसम के अनुसार डिजीज के भी स्वरूप बदले हैं, जी जी भाई, तो उस हिसाब से फार्मूला बदलेगा, बदला रहता जी। तो मूल क्या है, मूल तत्व क्या है इसका, इसका अच्छा जो मूल जो आप करते उसके अंदर जी, मैं तो अपना गौमूत्र, अच्छा अच्छा, पंचकर्मा से यहाँ पे ज्यादातर तो इसको अपना जोर हर एक चीज में, जी जी जी, हाँ जी। और ऊपर से फिर जैसे जड़ी बूटी सबसे बड़ी के बात है, कंपनी हमारे से बहुत बड़ी बड़ी है, हम तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है जी, वो करते हैं। जैसे अब हमारे पास ये सैगल जवारनाशक बुखार का है, तो अब क्या है ये गिलोय से तैयार होता है, हाँ जी, अच्छा, ये ना टेबल ले आओ एक फटाफट, जैसे गिलोय से तैयार होता है। हाँ। तो अपने पास हमने खुद ने गिलोय बो रखी है। हाँ। एक तो आप छह भी नहीं की जड़ी बूटी व 30% काम करेगी। अच्छा, कितने एकड़ में गौशाला है ये, आपने 15 एकड़ में जी गौशाला, तो आपने औषधि कुछ आड़े भी लगा लो साथ के, हाँ बहुत ज्यादा लगाते। आप इस वीडियो ने ध्यान से देख लो और दिखा दो, सुन लो सुना दो, शेयर करो, सवा शेयर करो, बबर शेयर करो, क्योंकि आपके खुद यदि आसपास में रिश्तेदारी में कोई कैंसर तो दुखी है, पीड़ित है, तो बोले जिस पे भी तो जाना है, क्यों प्रधान जी, जिस पे भी तो जाना है यार, जिसका चला जावा वो जाना है। तो आप इस वीडियो ने इतना शेयर करो ताकि आपके आसपास का रिश्तेदारी का कोई दुखी है, पीड़ित है, कैंसर तो जूझ रहा है, जिंदगी मौत है, नुका अरे बोला भाई कैंसर आला के बारे में नू भी कहते, बोले तो भगवान इन्हें ठहले तो बढ़िया है, कई बार नू भी कहते हैं, एक बार स्टूल लिया भाई और मेरा ध्यान पड़ गया गोपैथी दवा खाना, या वह चीज है, क्योंकि जो हमारे से चाहे किसी एक लोगों का षड्यंत्र था, हमारे बीच तक हटा दी गई थी ये चीजें, लेकिन बेरानी के किस्मत दोबारा, मतलब एक किस्म हम खुशकिस्मत समझा बिल्लू को, दोबारा है लोगों ने इस बात पर एतबार हो गया है, विश्वास हो गया, गोमूत्र गाय का गोबर, गाय का देसी घी, देसी गाय की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिकन की बात नहीं भाई, तो उसमें कितनी बड़ी ताकत है। अब ये जो यहाँ के प्रधान हैं आनंद राज जी लाडवा गौशाला के, खुद एक एक चीज आपके सामने दावा करने लग रहे हैं, और कितने पेशेंट ठीक होगा जाली आपके पास से जी, देखो मन हो गए 15 साल काम संभालें जी, 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 जी। कई हजार पेशेंट तो जी मेरे आंखों के सामने से जाली है जी, और बैद जी का टेम से अलग था, अलग था जी, इस पर रखो, चलो फिलहाल आप लो जी, और भी जो जो चीजें ना अपनी रख लो यहाँ ले आके, अच्छा अच्छा कोई बात, चलो जी फिलहाल देखो इलाज तो और भी कई चीजें के हैं, वो तो मैं एक लाइन में सुन लूंगा इन पे, लेकिन फोकस आज कैंसर पे हम कर रहे हैं, और भी आप तक चीजें आऊंगी, क्योंकि मैं खुद इस चीज को बिलीव करूँ भाई गाय के अंदर बहुत बड़ा विज्ञान है। बताओ जी क्या क्या बताओ, ये जी जो आपने कैंसर की दवाई है ये आपने काम देने के नाम से है, अच्छा जी, किसके अंदर जैसे इनको तैयार करके ना ये इसका अर्क बनता है, हाँ जी, okay, कैंसर बिच्छू होता है ना, हाँ तो वो छाप रखा है जी जी जी, तो ये एक मैन तो एक कैंसर में ये है जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, ये एक मकोई है जी अपना जी, जैसे कंपनियां भी बनाती है तो इसमें अपने मकोई में किए है, जैसे हम बिल्कुल सीजन पर हम इसको ताजा काटते हैं, अच्छा अच्छा, ताजा मकोई का ही बनाते हैं हमें, तो वो 30% काम करेगा, 100% काम करेगा, किसी के पारिया हो, अंदर से बदबू आती हो, कहीं जख्म हो, हाँ। या टीवी हो, 3 महीने में टीवी को ठीक कर देता जी हमारी गारंटी, अच्छा अच्छा जी, अच्छा कुछ एक आध और असाध्य रोग है जैसे HIV है, हाँ, इस तरह के ये महेश्वरी वटी HIV में काम करती जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी, अगला अगर को वो ले रहा है ART वगैरह, ART बड़ी खतरनाक है जो कैंसर में काम आ करती है, पेशेंट को काला बनाती है, उसे टीवी हो जाती है, तो आपने हम 15 दिन में उसकी ART छुटवा देते हैं, अच्छा, हाँ जी, ये सुरभि वट्टी ये भी किसी चीज में वो, ये देखो सारी ये रजिस्टर्ड है भाई साहब, चलो ये बता दू तो सारी चीज के, ये जी अपने पास कितनी एक खूनी बवासी रोजी 3 दिन में बिल्कुल गारंटीड लिख कर दे सकते हैं, केवल 300 रुपए की दवाई है, एक ये मकोई है, एक ये डब्बी इसकी होती है, लस्सी के साथ लेनी पड़ती 3 दिन, अच्छा 3 दिन में, हाँ जी, को कभी उससे बिल्कुल प्यार, बहुत खतरनाक बीमारी जी पाइल्स, तो दवाई आड़े तैयार करी जाओ सारी, सारी टोटल आप उसका विजिट भी कर लेना, अपनी फार्मेसी यही है जी, बहुत बड़ी फार्मेसी है, एक बार फार्मेसी देखना चाहोगे तो एक बार, और मेरा इंटरव्यू बता दो एक बार आप, अच्छा जी सबसे बड़ी बात है करमो भाई देखो जी,
अपने पास हम देते पहले 15 दिन की दवाई, 15 दिन में उसको रिजल्ट मिल जाता है। फिर उसका पूरा उसको ठीक होने लग गया। उसका बाद मगर गलती करता हूँ, पेशेंट की गलती। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो अपने पेशेंट एक तो बीड़ी नहीं छोड़ती कैंसर वाला, एक दारू नहीं छोड़ता। अगर ये कोई नुकाब हम ये दारू और ये छोड़ जाएंगे तो हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसको ठीक कर देंगे पक्का। अच्छा, कितनी बड़ी बात। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये बात बढ़िया, क्योंकि भाई नशा तो नाश की जड़ है, तो इस बात में कोई दोराय नहीं। एक चीज और बताओ, मान लो तीसरी स्टेज का, चौथी स्टेज का, इस तरह कोई स्टेज का कोई मतलब नहीं, खाना पीना खाता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा, वो स्टेज को दिखते। अच्छा, खाना पीना की उसकी वो चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। अभी हमारे बाबा ने अलगर के डेरे में एक बाबा जी थी जी, उसका यहाँ से बिल्कुल गल रहा था वो, और वो लिया यार मित्र वो कमेटी वाले, तो मैं देख कर मुखा यार वह मैंने बोले बुलाई कि ठीक होने का है, तो डॉक्टर साहब और उन्होंने बोला इन्हें ठीक करा, मैं मेरा क्यों बैद मेरा जोड़ लिया, बोले इन्हें ठीक कराएंगे, चिंता ना करो, ये भाई सारे थे। तो उसका 3-4 दिन तो इतने लंबे लंबे कीड़े निकाले, आप देख नहीं सकोगे। अच्छा, 3 महीने में बाबा वो कुदा अंडा जमा ठीक कर दिया। चलो, ये चीजें और मैंने खुद प्रधान जी का मोबाइल में बहुत सारे पेशेंट की वीडियो देखी, प्राइवेसी को देखते हुए हम उनको दिखाना थोड़ा वही बात है, कई बार कुछ इसे पेशेंट भी हो जिनका भी हमारा चेहरा लेना चाहिए, लेकिन जिन जिन ने परमिशन दे रखी, वो यूट्यूब वाली वीडियो में सारी हम वीडियो डालेंगे, मैंने प्रधान जी का उसमें देख ली। कुछ पेशेंट अब भी है कुछ यहाँ तो पूछ लेंगे। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात करूँ भाई, जैसे आप एलोपैथम 15-15 लाख रुपए लगा लेते और वो पेशेंट कट्टम गायल के लेना पड़ा है। हाँ, आपको पता है लास्ट में। हाँ, सबसे बड़ी की बात है, यहाँ 1100 गाय है, 70 वर्कर काम करते हैं जी, और वो जो थोड़ा घना वो समाज में भी गौशाला कर जैसे बना रखे सारी हॉस्पिटल। हाँ, वगैरह। तो सबसे बड़ी की बात है, जो आड़ जो भी पीछे देगा जाओगा सारा गौ माता पर लगा, किसी गोज में नहीं जाओगा, ये मेरी गारंटी है। ये बहुत बढ़िया बात। देखो, एक रिसाइकल बन गया ये गोमंस जो आड़ है, लगभग 1100 का लगभग, जो आपकी जो कमाई, जो ये दवाई लेोगे उसकी जो कमाई आओगी वो गौशाला में लगेगी। दवाई फ्री में ले रहे हो, दान कर रहे हो, दान कर रहे हो। सही बात, दवाई आपकी फ्री है एक किस्म से। सही बात है, जो आप इसके लिए पैसा दोगे नहीं वो तो एक किस्म तो दान है गौशाला में, दवाई आपकी फ्री है। यह बहुत अच्छी बात लगी मैंने आपकी जी। और किधर किधर डिस्पेंसरी? हाँ, एक बार अंदर। एक बार इधर भी, एक बार इस दवा खाने पे भी नजर मार दे भाई। अच्छा, अगला है। अच्छा अच्छा, एक बार देखिए मोहित, डिवाइस ले रहा तू नेटवर्क की? आ जा भाई, लो भाई आड़ को खिड़की में कर दे। देखो, यहाँ प्रधान जी ने बहुत सारी बात करी, बहुत अच्छी बात करी भाई। आप जो जो कैंसर के इलाज के लिए पैसा दोगे ना, वो तो एक किस्म से दान है गौशाला में, दवाई आपकी फ्री है। ये आप देखो यहाँ पे। हाँ जी, क्या नाम है जी? डॉक्टर रितु जैन जी। डॉक्टर साहब बैठे हैं इधर, डॉक्टर रितु जैन। और ये देखो, आप आगे बढ़ो, ई बागली तरफ चलो, आज आओ जी प्रधान जी। ये देखो भाई, 15 एकड़ में यह गौशाला है, 32 साल पुरानी गौशाला, लाडवा गौशाला। इसके लिए भाई अरे घी भी तो अपना प्योर देसी गाय का घी है जी, बिल्कुल प्योर देसी गाय का घी है। मारो जाता है 5-6 किलो घी रोज का। अच्छा अच्छा, और एडवांस में लोग। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल प्योर देसी गाय है जी। अच्छा है, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। वो तो मैं जब हमारे पास सारी चीजें आ ली, प्रधान जी ने दिखा दी, हमारे पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण है, चीजें यहाँ जी। ये तो वैसे ऑफिस बना रखे भाई। अच्छा, अरे एक चीज और भाई, इस गौशाला में खास बात जो है, यू जो बराबर में आप देख रहे हो ना, शहीदी मंदिर दुनिया में मतलब लगा लो पहला मंदिर है यू, जहाँ चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। ये क्या है प्रधान जी? ये जी, ये बस सारे सैंपल हैं, ये सैंपल हैं अपनी दवाई, जैसे नहीं सुपारी जो भी पड़े में सुरजान जो भी है। हाँ, ये कितने का के लगभग है? बढ़िया 70-80 करीब तो ये। अच्छा, ये सैंपल पास करवा दे। देखो नहीं, आओ जी, आ जाओ भाई, आ जाओ, गले गले शेयर करते रहो, लाइव आप हो। और ये है वो लाडवा गौशाला, जिसके लेकर जब बात आवे कैंसर के इलाज की, कैंसर के मरीजों की, तो भाई टोन दे फिर भाई, कड़ा इलाज होगा, कड़ा इलाज। तो इस ठिकाना पर हम पहुंच गए हैं, और प्रधान जी ने दावा कर दिया, आनंद राज जी ने, भाई आप क्या आस पड़ोस में रिश्तेदारी में कोई परेशान हो तो आज वो कैंसर आ रहे ठीक हो जाएगा, दावा कर दिया। ये जी सारी बनती इनसे मशीनों से। अच्छा जी, जैसे एलोवेरा वगैरह निकालना, ये टैबलेट बनती से। हाँ जी, इसे टैबलेट बनती है। जैसे ये है, कोई भी आपन चीज बनाने, इसको मिक्स करने के लिए है जी, ये मिक्स करते हैं। अच्छा, हाँ, ये बनने लग रही है, इसके अंदर काफी समय लग चलना पड़ता है जी, जी, जी। हाँ जी, ये जैसे लेबर लगाने की मशीन है। हाँ जी, हाँ जी,
चलो भाई अंदर चलो, आ जाओ भाई, ये बंदर आ जाओ। ये आप इनका सुपर स्टोर देख रहे हो, ये सारी दवाइयां तैयार होती है यहाँ पे, आड़ दवाई तैयार हूँ भाई। इस पर्सन का क्या नाम रखा जाता है, क्या बोलते हो आप, ये जो लैब? हाँ, फार्मेसी। फार्मेसी जी। देखो इधर आ गया, ये सब कैप्सूल बनी। ये देखो भाई यहाँ, हालांकि ये इस तरह की इंटरनल चीजें हैं, लेकिन प्रधान जी ने कहा है भाई कोई दिक्कत नहीं आप हमारा। ये देखो भाई किस चीज की है, एक बार यहीं से। प्रधान जी अंदर नेटवर्क का इशू होगा, वैसे वो खोल दो मेरा दरवाजा। आ जाओ भाई, एक बार कर ली मच्छी, नेटवर्क में थोड़ा मनाया कर लिया। आ जाओ। अच्छा हाँ जी, मोहित एक बार मत करनी पड़ेगी भाई, आ रहा है सो कुछ है। बाजा बाजा बोलो, गौ माता की जय। लो भाई आ जाओ, थोड़ा दिखा भाई, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई। हाँ जी, सॉरी जड़ी बूटियां, मैं तो जड़ी बूटियां काम भाई। क्या बात, और ऊपर बोरी की बोरी दे, ये देखो नुगा आ रहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लो भाई ये देखो, सारा कुछ सब कुछ आड़े तैयार हुए हैं और बड़े लेवल पे है भाई ये। 15 एकड़ में गौशाला है, बहुत आपको मतलब नू को भी कोई 1100 गाय हैं अपने। हाँ जी, हाँ दिखाओ 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 ना। हाँ ये ग्राइंडर देख लो, सारी चीजें हैं बकायदा, हर चीज मतलब पूरा मतलब नून का रहे। कोई भी जब युद्ध का मैदान में को जाओ नी तो सेनापति पूरे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, आड़ शस्त्र भी शास्त्र भी सारी चीजें हैं। यू क्या है जी, लो भाई अंदर पर नेटवर्क का इशू है प्रधान जी, दिखा भाई फटाफट, दखन की चीज है। ले भाई सारी चीज दिखा दी तरते, हालांकि कोई कबूतर से जो दवाई बनेगी ना वो तो इसमें फिल्टर होगी, और जो बनेगी उसमें होंगी, ये सारे फिल्टरेशन में 20-20 फिल्टर भाई जब ओके तो बाहर निकलेगा नहीं, इधर आ गई फिर फिल्टर होगा ना, फिर अंदर जाओगी प्लांट में। काम दाम इतना जोड़ दिया प्रधान जी ना, है अंग्रेजी डॉक्टर दिमाग के पत्ते तो लेंगे भाई, दिमाग के तन तो लेंगे। क्या चला दिया भाई, व्यू देखियो भाई, हेलीकॉप्टर चला दिया है। आ जाओ जी पीछा जाओ, इधर तो गोवंश भी दिख जाएगा अंदर उसमें, छत पर को खड़े को जी, आओ छत पर को। लो भाई उड़ान भी दिखा दे भाई, पूरा सिस्टम बांध रखे प्रधान जी ने। और ये जी ये माट है, ये मट हम दवाई लगा भाई साहब। अच्छा दवाई भर की, अच्छा इसमें टाइमिंग हो भाई? हाँ जी, हाँ जी, 21 दिन को 25 दिन हो जी। लो भाई ये माटा में दवाई है, यानी कि ये पूरा एक है ना, मतलब अपनी जो पद्धति जो आयुर्वेद है उसका पूरा जीता जागता आपको उदाहरण दिखा दिया हमने। अच्छा आ जाओ भाई, आ जाओ गोमांस दिखाऊंगा, ऊपर चढ़ जाए पड़ी है। आ जाओ भाई, सीधा बोला गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। भाई आए चीज का वहां पर सारा खुड़का दुड़का वही चीज का, और दावा कर दिया पूरे कति हर तरह की जो मशीनें हैं उन मशीन तो दवाई कैप्सूल सारी चीज आयुर्वेदिक तरीका तैयार हुआ है कैंसर की जो। देख भाई तार है उधर, तार का ध्यान रख, ये नहीं तार है फिर भी खड़ा है जी उधर, अच्छा उस साइड। चलो जी आ जाओ भाई, गौवंश दिखा दे। अच्छा भाई वाह, 1100 गौवंश है, बहुत 32 साल पुरानी गौशाला भैया। तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में राय दियो भी, जो कैंसर को लेकर के दावा करया है और अंग्रेजी जो डॉक्टर हैं उनका मानसिक संतुलन हाल गया के या फिर पागल हो उसके में, अपनी दवाई पद्धति है यार जिसके दम पर पूरी दुनिया में डंका बजा था, इसको षड्यंत्र के तहत खत्म कर दिया गया था, दोबारा उनका हर वाला सच्चाई दब सका मरा कौन कर दी, सच्चाई नहीं मरा क्यों भाई। आयुर्वेद तो आयुर्वेद है, ये देख लो भाई क्या बात है। देखो ये गौ माता एक उम्मीद की नजर देखे है, अभी मामले तारा कुछ नहीं ठाया था, हमारी कदर कर लियो, जब कदर नहीं करोगे तो कदर माचेगा क्यों भाई। चलो फिलहाल ये 15 एकड़ में बन रही है गौशाला, ये देखो भाई ये पानी को दिख दे कितना बढ़िया तरीके से सिस्टम बना रखे, बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर साफ पानी। चलो ओड़ा अखाड़ा बना रखे, हाँ अच्छा अच्छा चलो जी। सोलर पैनल मतलब
पूरी गौ साला एक बार चुकरता घुमाएगा, क्लोज कर दिया मोहिदीप, चुकरता घुमाएगा नू, क्या बात है, देखिए रहे, देखिए 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 सारे देखेंगे रन देखो कितनी एकदम, यह सबसे चुस्त है भाई, सबसे चुस्त सबसे स्फूर्ति वाली चीज, मतलब अपनी देसी गाय की ताकत में क्यों हो रहा है, इस चीज ने पहचानो और इस चीज को समझो, देखियो कितनी स्फूर्ति में घुमा दे भाई चुकरते, और ईव घुमाकर क्लोज कर दो भाई, दोबारा घुमाएगा ले ले, गौ माता की जय।